नॉर्थन सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो है 4 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई करना चालू हो गए थे, आज हमारी 22 तारीख है। मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। क्लोजिंग डेट जो है इसकी 3 सितंबर आने वाली है, तो आप इसके लिए इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। नेम और पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की है, लेवल 2 पे इन सभी की सैलरी आने वाली है जो भी असिस्टेंट लोको पायलट में आती है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस चीज़ में कितनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, यानी कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निकल ग्रेड थर्ड ब्लैकस्मिथ, टेक्निकल थर्ड इलेक्ट्रिकल फिटर, टेक्निकल ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल TRD, टेक्निकल ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल TRS, टेक्निकल ग्रेड थर्ड सिग्नल, टेलीकॉम, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक पावर वेल्डर और सिग्नल टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की इसमें पोस्ट निकली हुई है। जूनियर इंजीनियरिंग में भी क्या है, बहुत सारी पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग में आपकी जितनी भी पोस्ट आती है सबका जो सैलरी का लेवल है वो लेवल 6 रहने वाला है। आप देख सकते हैं किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी, पोस्ट कौन कौन सी है। तो जूनियर इंजीनियरिंग ब्रिज, कैरिजन वैगन, सिविल DSGN ड्रैग, JE इलेक्ट्रिकल TRD, जूनियर इंजीनियरिंग एंड टी सिग्नल, टी टेलीकॉम वर्क्स, इलेक्ट्रिकल TRS, पी वे केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। फिर क्या है, हमारी जो थर्ड है वो ट्रेन मैनेजर की है। इसमें क्या है, लेवल 5 पे सैलरी रहेगी। कैटेगरी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें आपका क्या है, आपको स्टेजेस ऑफ एग्जाम, आपको CBT बेस्ड यहाँ पे टेस्ट देना होगा जो कि 2 पार्ट में होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। आजकल रेलवे की बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी निकल रही है, डेली एक से दो वीडियो डाली देती हूँ मैं रेलवे की पिछले 3-4 दिन से। एज ग्रुप की बात करें तो इसमें अगर आप UR कैंडिडेट से तो 42 ईयर्स होने चाहिए मैक्सिमम। OBC कैंडिडेट्स के लिए 45 और SC ST कैंडिडेट के लिए 47 है, और मिनिमम जो है आपकी वो 18+ होनी चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर रिजर्वेशन वगैरह कुछ है नहीं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। टेक्निकल पोस्ट है, इसमें क्या आपका 2 पार्ट में पेपर होगा, मैंने आपको बताया था, जो कि 90 मिनट का होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आपको उसको आपको देना होगा। सिलेबस क्या रहेगा, तो ये रहा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक इंजीनियरिंग एंड जनरल अवेयरनेस। पार्ट बी में क्या होगा, 60 मिनट मिलेगा, 75 क्वेश्चन होंगे, क्वालिफाई मार्क्स आपके 75% इसमें रहेंगे। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग में क्या रहेगा, जूनियर इंजीनियरिंग में भी CBT बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें क्या आपको 120 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करना होगा। सिलेबस ये रहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट और टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन बस इससे अकेले उससे रहता है। यहाँ पे दे भी रखा है बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट और कंप्यूटर से 10-10 क्वेश्चन और जनरल और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रखा जाता है। फिर क्या है, द सेक्शन वेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू गिवन इन द अबाउट टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज CBT। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखें नॉर्मलाइज कैलकुलेशन वगैरह उसकी है नहीं। फिर है ट्रेन मैनेजर के लिए क्या रहने वाला, तो ट्रेन मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये रहा आपका, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप PWD कैंडिडेट से तो आपसे 120 क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है। सिलेबस ये रहा ट्रेन मैनेजर का, आप देख सकते हैं। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, फोटो वगैरह सही से अपलोड करेंगे। ये होप वीडियो पसंद आएगी, और जितनी भी वीडियो निकल रही है ना इसी पोस्ट पे ही निकल रही है, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और फिर जूनियर इंजीनियरिंग, इन्हीं 3 पोस्ट पे बस वैकेंसी निकली जा रही है, कभी साउथ से तो कभी ईस्ट से तो कभी वेस्ट से। तो आप चैनल पे बने रहें, आपको किसी भी साइड से वैकेंसी आए आपको मिलेगी ज़रूर। थैंक यू।